चंदौली पूर्वी आशुतोष सिंह जी है, आपसे भी अनुरोध है कि अगर के माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करें। किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री प्रेम नारायण मंत्री जी से भी आग्रह है कि अगर के माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। ये योगी जी ही है जिन्होंने उसको कंट्रोल करने का काम किया, और अकेले प्रधानमंत्री ने तारीफ नहीं की, दुनिया के WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ करी कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रबंधन कहीं नहीं। एक तरफ भारत की वैक्सीन की तारीफ हुई, दूसरी तरफ योगी जी की तारीफ होती है। तो योगी जी हो या 60 साल राज करने के बाद, 61 साल मोदी जी तो सत्ता में थे नहीं, 60 साल तक जिन्होंने राज किया, उनके कारण किसान की स्थिति, जो सबसे उत्तम व्यवसाय था, जो सबसे समृद्धशाली राष्ट्र था, वो 25% जिसकी हिस्सेदारी थी उसके हिस्सेदारी रह गई दुनिया में 3.5%, और खेती की हिस्सेदारी जो 52% थी देश की अर्थव्यवस्था में वो घट क्या हो गई 13%। मोदी जी तो सरकार में नहीं थे, पहले कोई रिश्ता करने जाता था, हम छोटे थे, कहते थे भाई देखना जड़ तो जमीन ही है, कितने हल हैं, कैसी खेती है। अब ये कहेगा अरे भाई कॉलेज में चपरासी लगा हुआ तो वो अच्छा किसान से, तो कोई सिपाही उपाही है तो वो अच्छा। तो आखिर किसान की स्थिति ऐसी हुई क्यों? 60 साल की गलत नीतियों के कारण जो कांग्रेस और उससे जुड़ी हुई पार्टियां रही हैं, किसान की संख्या 75% से घटकर 55% हो गई, गांव में रहने वालों की संख्या 82% से घटकर 62% हो गई। और जब मोदी जी आए उन्होंने कहा भाई इसकी वो करो, देश दुनिया का सबसे सोने की चिड़िया था, समृद्धशाली था, फिर से हमें इसे बनाना है, तो क्यों था तब इसका अध्ययन होना चाहिए, अरे हालत खराब क्यों हुई? तो कमेटी बनी, उस कमेटी में मैं भी था, जितने आयोग बने, चाहे गुरुलाल की अध्यक्षता में बना हो, चाहे सी जैन की अध्यक्षता में बना हो, चाहे मोन्टेक सिंह अहलुवालिया की अध्यक्षता में बना हो, चाहे डॉक्टर एन स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बना हो, सबने सिफारिश की। आज यहाँ का किसानों को, पिछले वर्ग के लोगों को संबोधित करने का काम किया, लोगों को बताने का काम किया माननीय मोदी जी की सरकार हो केंद्र में या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, ये गांव गरीब किसान मजदूर के लिए समर्पित सरकार है, उसके लिए काम कर रही है। पीयूष जैन के घर करोड़ों रुपए बरामद हुआ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी सरकार बताए ये किसका रुपया है, इस पर आप क्या कहेंगे? उनके पेट में दर्द क्यों है? चोर की दाढ़ी में तिनका, उनके पेट में दर्द क्यों है? ये यदि वहाँ कुछ गलत किया है और उससे बरामद हो रहा है तो परेशान क्यों हो रहे हैं? अखिलेश यादव बीजेपी पर बार बार हमला कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी ऐसा है, उनकी किन बातों की बात करूँ, वो तो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी की ये वैक्सीन है मैं नहीं लगवाऊंगा कोरोना की बीमारी की, और इस वैक्सीन को मैं तो नहीं लगवाऊंगा, जब हमारी सरकार बने तब लगवाऊंगा, फिर लगवा भी ली उन्होंने भी और उनके पिताजी ने भी और उनके परिवार ने भी। दूसरी चीज़ वो व्यक्ति हैं जो जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करते हैं, तो वो बौखला गए हैं कि वो जानते हैं कि पिछली बार जितनी सीट भारतीय जनता पार्टी को आई थी उससे भी अधिक आने वाली हैं, वो हताशा के शिकार हैं, इसे वो जरूर बात कर रहे हैं।